हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मनाणी रीना फ्रॉम सीपी कोटक मेमोरियल प्राइमरी स्कूल। होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड डोंट गो आउटसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि आप अब सब फर्स्ट स्टैंडर्ड में से सेकेंड स्टैंडर्ड में अपग्रेड हो गए हैं। ओके, आप सब बहुत सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एनवायरमेंटल स्टडी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट मींस हमारे अराउंड जो भी थिंग्स हैं उन सब को हम एनवायरमेंटल स्टडी में लेते हैं। वो सब फैक्टर लाइक एयर, फूड, वाटर एंड मैनी अदर थिंग्स। सो आज हम लर्न करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के पार्ट्स है, हम उसको टू डिवीजन करते हैं पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। फर्स्ट है सेंस ऑर्गन्स और सेकेंड है ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी। Now, in sense organs, our senses means eyes, ears, nose, tongue and skin are included. And in second part, organs inside our body means wo organs jo hamari body ke andar present hai, inside our body, like brain, bones, heart, lungs and stomach. Now, in this picture you will clearly visualize which body parts are the children using to do the various activities. आपको इस pictures में दो childrens दिखाई दे रहे हैं, boy and girl। तो वो कौन से body parts use कर रहे हैं उसकी activity करने के लिए? First of all जो boys है उसके हाथ में one musical instrument है और वो अपने mouth से music है उसको गा रहा है, और गर्ल है वो अपने हैंड से लिफ्ट कर रही है। ओके, सो इन दिस पिक्चर टू सेंस ऑर्गन्स आर यूज, माउथ, टू ऑर्गन्स आर यूज, माउथ एंड हैंड। नाउ इंट्रोडक्शन। इन क्लास वन वी स्टडीड दैट अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। These parts help us to do different things. For example, our mouth help us to eat and speak. हमारा mouth है वो हमें खाने में और बोलने में help करता है। Our hands help us to lift and hold the things. हमारे hands है वो कोई भी चीज़ है हमें उसको लेनी है उसमें help करता है, या फिर कोई भी चीज़ है उसको throw करनी है उसमें help करता है। Our legs help us to walk, run and play. हमारे legs है वो हमें walking में, रनिंग में और हमें कुछ भी प्ले करना है उसमें हेल्प करते हैं। नाउ बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस टू यूज अवर सेंसेस, मतलब कि हमारी जो सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। देर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। विद द हेल्प ऑफ आईज वी सी समथिंग, हमें कुछ भी दिख रहा है इस वर्ल्ड में। तो कैसे दिखाई दे रहा है सब? विद द यूज ऑफ आइज, हमारे पास आइज है तो हम सब देख सकते हैं। या बेंचेस है, बोर्ड है, हाउस है, पूरा वर्ल्ड है वो हमें विद द यूज ऑफ आइज हम देख सकते हैं। टंग से हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम है तो हमें कैसे पता चलेगा आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है? वो सेंस हमें कौन देता है? टंग। तो टंग हमें सेंस ऑफ टेस्ट है, टंग से हमें कोई भी थिंग है उसका टेस्ट पता चलता है। ईयर सेंस ऑफ साउंड, कोई भी वॉइस हो रही है हमारे अराउंड, अगर हमारे पास ईयर्स नहीं है तो हम नहीं सुन सकते कौन सी वॉइस हो रही है वो। नाउ स्किन, कोई भी थिंग है ज़्यादा कोल्ड है, ज़्यादा हॉट है, हमें कैसे पता चलेगा? विद द यूज ऑफ टच, हमारी स्किन और हम कोई भी चीज़ को टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ कैसी है। एंड विद द लास्ट
सेंस ऑर्गन्स आर नोज, सेंस ऑफ स्मेल, कोई भी थिंग है हमें उसकी स्मेल आ रही है, गुड स्मेल भी हो सकती है, बैड स्मेल भी हो सकती है. नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन विल बी ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी. ये सेंस ऑर्गन्स थे, इसके पहले आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, वो फाइव सेंस ऑर्गन्स थे. नाउ सेकेंड पोर्शन है ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी. ये वो ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी के इनसाइड, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. फर्स्ट है द ब्रेन. ब्रेन है, ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड. वो हमारे हेड के इनसाइड प्रेजेंट है. इट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड डू मैनी एक्टिविटीज. ब्रेन की हेल्प से हम कुछ सोच सकते हैं, नया सीख सकते हैं, याद रखते हैं सब, और बहुत सारी एक्टिविटी विद द यूज ऑफ ब्रेन हम कर सकते हैं. सेकेंड ऑर्गन है द बोन्स. बोन्स है वो प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी. हमारे पूरी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट है. दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड गिव शेप टू अवर बॉडी. बोन्स है वो हमारी बॉडी को शेप देते हैं. नेक्स्ट ऑर्गन है द हार्ट. हार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में. हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो विद द यूज ऑफ हार्ट ही हो रहा है. द हार्ट लाइज इनसाइड आवर चेस्ट, और वो हमारे चेस्ट के अंदर है. इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज द लंग्स. लंग्स है वो बहुत ही क्लोजर है, हार्ट है उसके बहुत ही क्लोजर लंग्स है बॉडी में. दे आर टू इन नंबर. लंग्स है वो टू इन नंबर है, लाइक स्टमक, हार्ट, वो सब वन इन नंबर है, वो सब वन वन ही है बॉडी में. लेकिन लंग्स है वो टू है. वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स. हमें ब्रीदिंग करनी है तो उसमें हमें लंग्स यूजफुल है. नेक्स्ट ऑर्गन है द स्टमक. फूड दैट वी ईट गोज टू द स्टमक. हम जो भी फूड लेते हैं वो हमें स्टमक में जाता है हमारे. इट लुक्स लाइक अ बैग विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट. स्टमक है वो एक बैग जैसा दिखता है और वो हेल्प करता है, हम जो भी फूड लेते हैं उसको ब्रेक डाउन और उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है. इट लाइज बिलो द चेस्ट. नाउ ये तो हमने बात की सेंस ऑर्गन और ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी. सेंस ऑर्गन फाइव है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, और इनसाइड आवर बॉडी वो फाइव ऑर्गन्स है, ब्रेन, बोन्स, स्टमक, हार्ट एंड लंग्स. नाउ सो चिल्ड्रंस, अभी आपको मैं एक प्रैक्टिकल वर्क देती हूँ. लेट्स डू वन प्रैक्टिकल टास्क. ऑब्जर्व एनी फाइव डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. आपको क्या करना है, आपको अपने हाउस के अराउंड या अपने आप जहाँ भी हो अभी उसके अराउंड आपको फाइव डिफरेंट थिंग्स है, उसे नोटिस करना है और आपकी बुक में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आपकी आईज है, मैं आपको कहती हूँ आपको कैसे लिखना है. आपकी आईज है तो आप उससे क्या कर रहे हो, आप उससे टीवी देखते हो, आप उससे गेम प्ले करते हो, आप उससे लिख सकते हो. तो ऐसे ही आपको कोई भी फाइव डिफरेंट थिंग्स है वो ऑब्जर्व करनी है और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन.